आइए हम देखें पेरित तो के काम अध्याय उसके नवे वचन से देखेंगे इससे पहले उस नगर में शैमोन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे तब शैमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था प्रियो शैमोन जो एक जादूगर था लोगों को धोखा देते हुए भी उसके पास जो लोग आ रहे हैं उससे भी बढ़कर फिलिपुस के पास लोग आ रहे हैं इसका कारण क्या है सोचकर वो भी जब देखने के लिए गया जब फिलिपुस के समाचार को लोग सुन रहे थे इसने भी सुना सुसमाचार सुनकर लोग विश्वास किए और सत्य को जान गए शु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किए और इतना ही नहीं वे लोग बपतिस्मा भी लेने लगे प्रिय जो लोग शैमोन के पास आते थे अब शैमोन के पास ना जाकर फिलिपुस के पास जब जाने लगे तब इसे भी लगा कि अकेले रहकर मैं भी क्या करूंगा वह भी जाकर सुसमाचार सुना प्रियो बाइबल बताती है वह विश्वास किया और बपतिस्मा लिया सुसमाचार पर विश्वास किया यीशु पर विश्वास किया प्रिय बपतिस्मा भी ले लिया अद्भुत है ना कल तक जो जादू टोना किया कल तक जो लोगों को धोखा दिया कल तक जो लोगों को गुमराह किया बड़े शाम से लोगों के साथ फरेब किया प्रिय अद्भुत रूप से वो बदल गया यीशु मसीह पर विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी ले लिया फिलिपुस को छोड़ा नहीं फिलिपुस की सेवाकाई में वो भी सहभागी होकर सेवा किया कल तक जो लोगों को धोखा दिया शान से लोगों के साथ दगा किया आज वो एक सहयोगी बन गया अद्भुत है ना आज मुझे एक बात कहने दीजिए आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो कितने बड़े चोर क्यों ना हो लूटने वाले क्यों ना हो आप कितने बुरे क्यों ना हो मेरा प्रभु आपको सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके जीवन को सुधारने के लिए मेरा प्रभु बिल्कुल तैयार है प्रियो यह जादूगर शैमोन विश्वास किया बपतिस्मा भी लिया फिलिप उसको छोड़े बिना उसके साथ रहकर उसकी सेवाकाई में आगे बढ़ता गया कितना अद्भुत बदलाव है प्रियो आज बदलाव के साथ जीवन जीने वाले हैं क्या बहुत खुशी की बात है उस बदलाव को आगे बढ़ाते जाइए उस आत्मिकता को आगे बढ़ाइए उस पवित्रता को आगे बढ़ाइए परमेश्वर के साथ के संगति को आगे बढ़ाइए उतना ही बीच में मत रुकिए बपतिस्मा लेने के बाद यानी मसीह के क्षमा को पा लेने के बाद उद्धार के अनुभव को पाने के बाद मैं अपने सारे पाप में जीवन को दफना दिया हूं अब मैं नई सृष्टि हूं इस तरह अपने जीवन की गवाही देने के बाद आप पीछे मुड़ के ना देखें प्रियो वह भी चार में पकड़ी गई स्त्री को जब यीशु के पास लेकर आए और उस पर पथराव करना चाहते थे तब यीशु ने कहा जो तुम में निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे एक व्यक्ति भी पत्थर नहीं मार पाया कारण जानते हैं यह तो पकड़ी गई पापी है और वे तो छिपे हुए पापी हैं दोनों पापी हैं जो पकड़ाए नहीं वो पापी जो पकड़ाया गया उस पापी को दंड देने आए तो यीशु मसीह ने जो पापी नहीं पकड़ाए उनके विषय में बोले तुम भी पापी हो लेकिन पकड़ाए नहीं हो इस संसार में दो प्रकार के पापी हैं एक तो पकड़ाए हुए पापी और दूसरे नहीं पकड़ाए हुए पापी प्रियो एक प्रश्न पूछता हूं बुरा नहीं मानना आप में से कोई कभी चोरी किए हैं क्या अरे ब्रदर हम कैसे दिख रहे हैं हम कोई आपको चोर दिखाई दे रहे हैं क्या आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे नहीं प्रियो आपके बचपन से लेकर अब तक वो पेंसिल हो सकता है रबड़ हो सकता है पेन हो सकता है पुस्तक हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है डैडी के पॉकेट से दस रुपए या आपके पति के पॉकेट से सौ रुपए हो सकता है कुछ भी कभी भी आपने चोरी किया है या नहीं किए हैं कहने वाला हाथ दिखाएंगे आप लोग कितने अच्छे हैं प्रियो ठीक है चोरी किए हैं इस बात को आप बिना डरे मान लिए हैं बहुत खुशी की बात है आप में से कितने लोग चोरी करते हुए पकड़ लिए गए हैं पकड़े गए हैं वे हाथ दिखाएं। क्या बात है बहुत से लोग हाथ नहीं उठाए हैं ठीक है हाथ नीचे कीजिए आप में से कितने लोग चोरी किए हैं कहने से ऑलमोस्ट सब ने हाथ दिखाया कितने लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं हाथ दिखाओ कहने से लगभग बीस प्रतिशत लोग हाथ दिखाए इससे अधिक नहीं थे तो फिर अस्सी प्रतिशत लोग हाथ क्यों नहीं उठाए जानते हैं हेलो ये लोग प्रोफेशनल्स हैं प्रियो आप पकड़ाएंगे नहीं प्रियो आप चोरी करने से कैसे पकड़ाएंगे बताइए जो चोरी करने में माहिर है वो पकड़ाएंगे क्या जो चोरी करने में प्रोफेशनल है क्या वो पकड़ाएंगे बेचारे जिन्हें चोरी करना नहीं आता वे ही पकड़ाएंगे अभी मेरा प्रश्न है जो पकड़ा गया उस चोर को अधिक दंड मिलेगा या जो पकड़ाया नहीं है उससे अधिक दंड मिलेगा आप ही बताइए दोनों में से किसे मिलेगा जो नहीं पकड़ाया उसे ही ना प्रिय दो लोग चोरी करके भाग रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए दो पुलिस उनका पीछा करते हुए उनके पीछे भाग रहे थे उनमें से एक बहुत चलाक था फुर्तीला था दौड़ते दौड़ते भाग गया दूसरा व्यक्ति थोड़ा मोटा था दौड़ते हुए गिर गया पकड़ा गया एक चोर तो तुरंत पकड़ा गया लेकिन दूसरा चोर बिना पकड़ाए वो भाग रहा था दाई और भागा फिर बाई और भागा और आगे भागता गया और ये पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा था पीछा कर रहा था पकड़ाया नहीं उस पुलिस वाले को बहुत परेशान किया उसे बहुत तंग किया अंत में एक पत्थर से टकरा कर वो नीचे गिर गया उसके ऊपर पुलिस वाला गिर गया अभी मेरा प्रश्न क्या है कि जो तुरंत पकड़ाया उससे ज्यादा मार पड़ेगी या जो बिना पकड़ा इधर घुमाया उधर घुमाया इधर घुमाया उधर घुमाया इधर उधर घुमाया ना उससे अधिक मार पड़ेगी किससे अधिक मार पड़ेगी हेलो जो जल्दी पकड़ाया वो ज्यादा मार खाएगा जो नहीं पकड़ाया वो मार खाएगा जो देर से पकड़ाया वो ज्यादा मार खाएगा सावधान इस संसार में दो झुंड के लोग रहते हैं एक है पकड़ाए हुए और एक है जो नहीं पकड़ाए हैं जल्दी पकड़ा गए हैं तो कम मार पड़ेगी बिना पकड़ाए शान से घूम रहे हैं तो अधिक मार पड़ेगी सावधान कम से कम आज के दिन सच्चाई को जान कर प्रभु मैं बिना पकड़ाए घूम रहा हूँ सबकी नजर से बचकर बड़ी बुद्धिमानी से पाप कर रहा हूँ बहुत बुद्धिमानी से पाप में कामों को करते हुए पकड़ाए बिना मैं अपने पापों को छिपा रहा हूँ प्रियो बाइबल बताती है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है लेकिन जो उन्हें मान कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी प्रियो उस दिन वो पापी स्त्री पकड़ी गई जो लोग पकड़ाए नहीं गए वो लोग पथराव करेंगे कहने से यीशु क्या बोले जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे कहने से कोई भी पत्थर नहीं मार सका कारण यह है कि उनके जीवन में पाप भरे हुए थे तब यीशु ने उस स्त्री से कहा क्या तुम्हें कोई दंड नहीं दिया प्रभु मुझे कोई दंड नहीं दिया तब ईशु ने क्या कहा जानते हैं मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा अब से तुम पाप मत करना तुम मेरे पास आए तुम्हें दंड पाना था तुम्हें मारा जाना था पर तुम मारे ना जाकर मेरी क्षमा तुम्हें बचा ली मैं तुम्हें क्षमा किया प्रिय उस दिन केवल यीशु ही उसे मार सकते थे दंड दे सकते थे क्योंकि वे अकेले ही पाप रहित थे दंड दे सकते थे लेकिन यीशु मसीह इस जगत में दंड देने के लिए नहीं आए लेकिन पापी के लिए अपने प्राण को देने आए क्षमा करने के लिए यीशु इस जगत में आए इसीलिए उस स्त्री को क्षमा किए और उसके लिए क्रूस के ऊपर दंड को उठा लिए आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन क्षमा किए जाने के बाद उस स्त्री से यीशु ने क्या कहा जानते अब से तुम पाप ना करना आप उद्धार पाए हैं क्या क्षमा किए गए हैं क्या बपतिस्मा ले लिए हैं क्या तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना जिसे छोड़ दिए उसे फिर से करने की कोशिश मत करना कुत्ता जैसे अपनी छाट की ओर फिरता है वैसे ही एक बार उद्धार पाने के बाद फिर से पाप में नहीं जाना प्रिय एक बार एक बहन आकर रो रही थी ब्रदर मैं उद्धार पाने के बाद अपने पति के लिए आंसू बहाकर मैं प्रार्थना की मेरे पति के सुधरने के लिए वो कभी भी चर्च नहीं आता था लेकिन जब मैं आंसू बहाई मैं प्रार्थना की मेरा पति चर्च आया प्रभु की उपस्थिति में आकर वचन सुन रहा था मेरे साथ वो भी घुटने टेका मेरे साथ बाइबल पढ़ना प्रारंभ किया मेरे साथ प्रार्थना करते हुए चर्च आना शुरू किया मेरे खुशी का कोई अंत नहीं था ब्रदर तब मैंने कहा अभी मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं तब वो बोली मैं आत्मिक जीवन जीते हुए परमेश्वर की गवाह होकर जीते हुए जब मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रही थी मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति मुझे बलपूर्वक परीक्षा में डाल दिया मैं उस परीक्षा के अधीन हो गई लेकिन एक दिन मैं अपने पति की नजर में आ गई ब्रदर तब से मेरा पति मेरा चेहरा नहीं देखता है ना ही प्रभु की उपस्थिति में आता है ब्रदर मेरे किए गए पाप में काम के कारण मैं अपना सिर नहीं उठा पा रही हूं मेरा पति मेरा मुंह नहीं देखता है छी पापी स्त्री भक्ति का भेष धारण करके इतना नीच में काम कर रही हो किसे चाहिए तेरी भक्ति और तेरा परमेश्वर छी तब से मेरा पति मेरा मुंह नहीं देख रहा है और चर्च भी नहीं आता है, है क्या कोई हमारे बीच उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद संसार में गवाही देने के बाद मेरे जीवन को मेरा प्रभु सुधार दिया है इस तरह अपने मित्रों से बताने के बाद फिर से पाप करना शुरू कर दिए फिर से शराब पीना शुरू कर दिए फिर से प्रेम के चक्कर में फिर से पाप में कामों को कर रहे हो फिर से घूस लेना शुरू कर दिए फिर से अनैतिक संबंध में जी रहे हो फिर से अधर्म की कमाई कर रहे हो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता प्रिय एक बार एक भाई आकर मुझसे कहने लगा ब्रदर मैं अपने गांव से हैदराबाद आया हूं मेरे बहुत से मित्र हैं वो सब शराबी हैं मैं भी उनके साथ पीता था लेकिन मैं हैदराबाद आने के बाद कलवरी टेम्पल में आकर अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर दिया ब्रदर ब्रदर मैं अपने गाँव गया और अपने सारे मित्रों को यीशु मसीह के विषय में बताना है ये सोचकर अपने सारे मित्रों को इकट्ठा करके मैं उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया सब कुछ सुनने के बाद वो बोले अरे भाई आप बहुत अद्भुत और आनंद का सुसमाचार सुनाए हो तुम सुधर गए हो इस खुशी में हम सबको सेलिब्रेट करना है प्रियो खुशी में क्या करना कह रहे हैं तेरे जैसा व्यक्ति सुधर गया है सेलिब्रेट करना है कहकर मंगा लिए ब्रदर क्या मंगाए बॉटल बॉटल मंगा, मंगा लिए ब्रदर वे सब जब बैठकर पी रहे थे ब्रदर मेरा मन भी खिंचाने लगा फिर उसके बाद क्या हुआ अब क्या था ब्रदर मैं उन्हें बदलने गया था ब्रदर वे मुझे बदल दिए मैं फुल पी लिया ठीक है अभी क्या हुआ बताओ उस दिन से लेकर आज के दिन तक ब्रदर मैं नौकरी करने नहीं जा पाया किस लिए मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं मैं किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं पा रहा हूं कदम आगे बढ़ाऊंगा सोचने से आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं मेरा सारा शरीर कमजोर हो गया ब्रदर अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं ब्रदर रात में मुझे नींद नहीं आ रही है ब्रदर मेरे शरीर में ताकत नहीं रही ब्रदर मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है ब्रदर अभी मैं रो रहा हूँ ब्रदर एक साल से इसी नरक का अनुभव कर रहा हूँ सब कुछ जानते हुए मैं पीछे मुड़कर देखा ब्रदर प्रियो आज कोई है क्या उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु की गवाही देने के बाद आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखने वाले हैं क्या सावधान प्रियो एक व्यक्ति जो अड़तीस वर्षों से उस कुंड के पास पड़ा था यीशु चंगा किए और जब वो आराधनालय में दिखाई दिया यीशु ने क्या कहा जानते हैं देख तू चंगा हो गया है फिर से पाप मत करना ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े प्रिय आप अच्छे हो गए हैं क्या उद्धार पा लिए हैं क्या तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना देखेंगे तो और भी अधिक विपत्ति और भी अधिक दंड को पाना पड़ेगा इस सत्य को न भूलें प्रिय उद्धार पा लिया हूं सोचकर फिलिपोस के साथ सेवा करने वाले इस शमोन को देखकर सब सोच रहे थे ये सुधर गया है बपतिस्मा भी ले लिया सेवा कर रहा है सब सोचने लगे तो आश्चर्य की बात है प्रियो जब फिलिपुस सामरिया नगर में आकर जब सुसमाचार प्रचार किया लोग विश्वास किए और सारे सामरिया नगर में आनंद छा गया प्रियो इस समाचार को सुनकर पतरस वहां आकर उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया तब वे पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए इसे देखकर जादूगर शमोन ने पतरस से कहा पतरस जी जरा आप यहाँ आएंगे क्या हुआ बताओ थोड़ा यहाँ आइए पथरस को किनारे ले जाकर पथरस के हाथ में रुपये रखकर ये लो तुम्हारे हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतर आया ना मैं भी जब हाथ रख के प्रार्थना करूं पवित्र आत्मा उतर आए वो वरदान मुझे ट्रांसफर करेंगे प्रियो समझ में आया ट्रांसफर कहां से आया वरदानों का ट्रांसफर चंगाई का ट्रांसफर परमेश्वर के आत्मा का ट्रांसफर इन ट्रांसफरों को कौन शुरू किया जानते हैं जादूगर शामोन ट्रांसफर करोगे तुम्हारे अंदर के सामर्थ्य को मुझे ट्रांसफर करोगे तुम में जो आत्मा है वो मुझे ट्रांसफर करोगे इस तरह पूछा देखिए क्या है पढ़ेंगे 18 का आखिरी लाइन तो उनके पास रुपये लाकर कहा यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए पतरस ने उससे कहा तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया क्या बोले रुपये देकर वरदान पाओगे रुपये देकर परमेश्वर के सामर्थ को मोल लेना चाहते हो पत्रस ध्यान से शैमोन को देखने से शैमोन उद्धार पाया था शैमोन विश्वास किया था शैमोन बपतिस्मा लिया था विश्वासियों में से वो एक था और सेवकों का वो सहायक था पत्रस शैमोन को ध्यान से जांचने से पत्र सपने आत्मा के द्वारा शैमोन के मन को जब देखा उसका सारा जीवन स्पष्ट दिखाई दिया अरे दुष्ट ऊपर से आत्मिक दिखाई दे रहे हो सेवा में सहायक के रूप में दिखाई दे रहे हो बपतिस्मा लेकर गवाही दे रहे हो लेकिन तुम्हारे मन में कितनी कड़वाहट है देखिए क्या लिखा है इक्कीसवां वचन इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं क्या कह रहे हैं पतरस जी मेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है नहीं है चुप रहिए चिल्लाइए मत मैं अच्छा हूं कि नहीं सुधरा हूं कि नहीं हमारे गांव के लोगों से पूछो फिलिपुस जी आप इन्हें तो बपतिस्मा दिया ना पता नहीं क्यों पतरस जी गुस्सा हो रहे हैं थोड़ा इन्हें बताइए मेरा मन सही नहीं है क्यों कह रहे हैं प्रियो वे सोचे उस समय इस जादूगर शिमोन का मन बदल चुका है प्रियो शायद आपकी बातों को देखकर लोग सोच रहे होंगे आपके व्यवहार को आपके आचरण को देखकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आप बदल गए हैं आप अच्छे पुरुष है, हैं आप अच्छी स्त्री हैं आपका मन बहुत सीधा है आपके जैसे आत्मिक आपके जैसे प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करने वाली और कोई नहीं है लोग आपको देखकर सोच रहे होंगे लेकिन आपके मन में आइए उसके बाद के वचन को देखें इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है अरे पापी ऊपर से आत्मिक दिखाई दे रहे हो भक्त दिखाई दे रहे हो बड़ी बड़ी गवाही दे रहे हो लेकिन तेरा मन पित्त किसी कड़वाहट से भरा है इस तरह दिखाई दे रहा है तू पाप के बंधनों में बंधा हुआ है ऊपर से भक्त दिखाई दे रहा है तुझे परमेश्वर के साथ ना कोई भाग है और ना कोई हिस्सा आज में से कितने लोग ऐसी स्थिति में ऐसा जीवन जी रहे हैं एक बार सोचिए ऊपर से भक्त दिखाई दे रहे हो ऊपर से बापतिस्मा लिए हुए हो ऊपर से सेवा में भाग लेने वाले व्यक्ति हो ऊपर से बाइबल हाथ में लेकर चलते हो लेकिन अंदर से आपका मन सही नहीं है तुम्हारे मन में हर प्रकार के पाप के बंधनों में तुम पड़े हुए हो बंधनों में हो लेकिन ऊपर से अच्छे दिखाई दे रहे हो प्रियो पत्रस कह रहे हैं हो सकता है परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे मन फिराव के लिए प्रार्थना करो जादूगर शमन क्या कहा जानते हैं बहुत आवेश में बोल रहे हो लेकिन तुमने जो कहा है उनमें से एक भी मेरे ऊपर ना पड़े तुम ही मेरे लिए प्रार्थना करो इस तरह बोलकर चुपचाप चला गया उसके बाद उसका कोई पता नहीं था प्रियो प्रियो आज परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं ऊपर से तो आप आत्मिक दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपके मन के अंदर आप अंधकार में हैं आप अपने मन के अंदर से हर प्रकार के पाप के बंधनों से बंधे हुए हैं मन फिरा लो इस तरह आज परमेश्वर जब आपको चेतावनी दे रहे हैं तो पश्चाताप करके प्रभु से मांगेंगे प्रभु आप जो कुछ कहें वो सत्य है मैं ऊपर से जैसा भी दिखाई दू अंदर से बहुत पापी पुरुष और पापी स्त्री हूं मुझे क्षमा कर नाटक से भरे हुए जीवन से छुड़ा इस तरह प्रार्थना करेंगे या ये कहेंगे कि ऐसे प्रचार हमेशा सुनते रहते हैं प्रियो सुनिए ऊंचे पहाड़ों के बीच में से एक झरना बह रहा था उसमें एक जानवर की लाश बह रही थी तब एक भूखा गिद्ध जब भोजन ढूंढ रहा था तब उसे ये लाश दिखाई दी तब एकदम से आकर उस लाश में बैठ गया उस लाश के ऊपर बैठकर खा रहा था खा रहा था खा रहा था खाते ही जा रहा था इस तरह खाते खाते जब पेट भर गया प्रियो ऊंचे पहाड़ों में से वो झरना नीचे खाई में वो पानी तेजी के साथ गिर रहा था ऊंचे पहाड़ों में से एकदम से गिर रहा था हम उसे वाटरफॉल्स कहते हैं वो पानी खाई में बह रहा था तब गिद्ध ने सोचा यदि अभी मैं इस लाश को नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी लाश के साथ खाई में गिरकर जान गवा दूंगा सोचकर उस खाई में गिरने से पहले थोड़ा और मैं खा लेता हूं वो खाने लगा खाने लगा खाने लगा जैसे ही खतरा सामने था गिद्ध ने सोचा अब इस लाश को छोड़कर मुझे उड़ना है जैसे ही दोनों पैरों को और दोनों पंखों को फैलाकर जैसे उठना चाहा। प्रियो जब वो लाश के ऊपर उतरा था भोजन नहीं होने से वो हल्का था लाश को बहुत खाने के बाद उसका वजन बढ़ चुका था जब उसका वजन बढ़ गया था वो नहीं जानता था कि उसके पंजे और नाखून उस लाश के अतुड़ियों में फंस चुके हैं वो पंख फैलाकर अब उड़ना है वो बहुत कोशिश करने से भी वो उस लाश के अतुड़ियों में बन चुका था पंख हिला रहा है उड़ने का कोशिश कर रहा है कितना भी कोशिश करें अभी उस लाश को छोड़कर जाना है सोचने से भी लेकिन वो लाश उसे नहीं छोड़ रही है पकड़ी हुई लाश आकर्षित करने वाली लाश जो पेट भरी वो लाश एकदम से ऊंचे पर्वतों में से नीचे गिरा दी प्रियो मार डाली प्रियो आज जो पाप रूपी लाश आपको आकर्षित कर रही है जिस पाप में आप डूबे हुए हो जिस पाप को आधार बनाकर सुख भोग रहे हो वो पाप शीघ्र आपको आपके जीवन को आपके भविष्य को आपके पढ़ाई को आपके नौकरी को आपके व्यापार को परिवार को नाश करने जा रहा है वो दिन आने से पहले आज मेरे प्रभु की ओर फिर कर मेरे प्रभु इस पाप रूपी लाश से मुझे छुटकारा चाहिए इन बंधनों से मुझे छुटकारा चाहिए केवल आप अकेले हैं जो मुझे इस पाप के बंधनों से छुड़ा सकते हैं इस तरह प्रार्थना करने से मेरा प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार हैं छुटकारा पाने के लिए आप में से कोई तैयार है क्या आइए हम मिलकर प्रार्थना करें पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए पिता जब हम विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो नया जीवन प्राप्त करते हैं हमें पीछे मुड़कर देखने की हमें नाटक करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है जैसे कुत्ता अपने छांट की ओर फिरता है वैसे ही हमें अपने छोड़े हुए पापों की ओर नहीं फिरना है फिर से शुरू नहीं करना है शुरू करने से इज्जत नहीं रहेगी पाप को शुरू करने से हम नाश हो जाएंगे बहुतों के जीवन में हमने यही देखा है जादूगर शमोन के जीवन में हमने देखा वो अपने मन को जब सारे पापों से और पाप में कामों से भर के बंधनों में था और जब आप चेतावनी दिए उस चेतावनी पर जब उसने ध्यान नहीं दिया उसका कोई पता भी ना रहा पिता आज हम में से किसी को भी जादूगर शिमोन के समान जीने की अनुमति नहीं है पिता हरेक जन अपने मन को सही करके पापों को मानकर पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को जो आपको अर्पण कर रहे हैं उन सभी को आशीष दीजिए उद्धार दीजिए नया जीवन दीजिए आपके गवाह होकर जी सके सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सके मन से चाहता हूं इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए और उतना ही नहीं एक कमेंट कीजिए उसे मैं पढ़ूंगा प्रभु की महिमा करूंगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए शलोम